स्वागत आपका आपके अपनी चाणक्य कोचिंग में। हेडिंग लगा दो, रीजनिंग तर्क शक्ति, उसमें चैप्टर है घड़ी यानी क्लॉक, सही है, और उसमें टाइप क्या है उसकी बात आप कर लेते हैं। रेडी? तो रीजनिंग में घड़ी यानी क्लॉक, तो अब इसके अंदर टाइप क्या है आज हम उसकी बात करेंगे। तैयार? तो टाइप है आज हमारा इसमें राइट एंगल यानी समकोण यानी 90 डिग्री, समकोण भी कहेंगे और 90 डिग्री भी कहेंगे, ठीक है। समकोण कह दो, 90 डिग्री कह दो, या 15 मिनट का डिफरेंस कह दो, एक ही बात है, 15 मिनट का डिफरेंस। तो ये भी कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट का अंतर। तो ये देखो 15 मिनट से एक नॉर्मल सी बात है, 12 से 3 कितने मिनट, 15 मिनट। भाई सुई 12 पर है और 12 से 3 पर पहुंचेगी, कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और 15 मिनट में तो 90 डिग्री होता है। भाई सुई है मिनट वाली 12 पे और थोड़ी देर बाद पहुंच गई 3 पर, तो 12 से 3 पर पहुंची, कितने मिनट, 15 मिनट, और 15 मिनट ही तो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये सारी बातें एक ही हैं, समकोण बोलो, 90 डिग्री बोलो, या 15 मिनट का अंतर बोलो, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन, ऐसी पोजीशन घड़ी में किस जगह आती है, तो ऐसी कंडीशन अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, तो ऐसी कंडीशन आप देख सकते हैं 3 बजे पे मिल जाएगी आपको, 3 बजे, भाई ये 12 ये 3, भाई ये सुई 12 पे, ये सुई 3 पर, कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। तो घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, 3 बजे पे होगा। भाई 3 खाने का अंतर हुआ 12 से 1, 1 से 2, 1 2 से 3, 3 खाने 15 मिनट 90 डिग्री, एक ही बात है, ठीक है। तो 12 से 3 पर 90 डिग्री हो गया, तो ऐसी पोजीशन कितने बजे बनी, 3 बजे, क्या फिर से बनेगी, 90 डिग्री की पोजीशन एक तो बनी 3 बजे, क्या फिर से बनेगी ऐसी पोजीशन, बन जाएगी 3 बजे बनेगी, और एक आप देखें तो ऐसी पोजीशन 9 बजे भी बनती है, ऐसी पोजीशन कितने बजे, 9 बजे भी बनेगी 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री हुआ, तो ऐसी पोजीशन 90 डिग्री 9 बजे बनी, क्या ऐसी पोजीशन और भी बनेगी, या बस कब, ऐसी पोजीशन बनती है हर घंटे में 2 बार, ऐसी पोजीशन बनेगी 90 डिग्री वाली हर एक घंटे में, एक घंटे में 2 बार, हर एक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, बता दूंगा कैसे, एक घंटे में कितने, 2, हर एक घंटे में 2 बार, पहले इसी बात को समझ लें, आखिर एक घंटे में 2 बार कैसे, देखो मान के चलो 4 बज रहे हैं, ठीक है, तो 12 3 6, ठीक है, बैठो बैठो, 1 2 4 5, 9 7 8, और बज रहे हैं कितने, 4, चार बज रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये टोटल जो ब्लॉक होते हैं कितने ब्लॉक होते हैं, तो 12 होते हैं, भाई 1 से लेके 12 तक कितने टुकड़े हो गए, 12 ब्लॉक हो गए, ये कुल ब्लॉक कितने होंगे, 12। अच्छा पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, जब पूरा सर्कल 360 डिग्री का है और इसमें कुल जो ब्लॉक है वो 12 है, तो एक ब्लॉक 30 डिग्री, ठीक है, 360 और 12 ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक जो होगा वो 30 डिग्री का होगा,
ठीक है, यानी 12 से 1 के बीच का एंगल 30, 1 से 2 30, 2 से 3 30, 3 से 4 30, तो एक ब्लॉक 30 डिग्री का हुआ। हम ये चाहते हैं कि सुइयों में क्या हो जाए, इनमें 90 डिग्री का एंगल बन जाए। कितने का? 90। तो हम ये जानेंगे जब एक ब्लॉक 30 डिग्री का है, भाई एक ब्लॉक कितने डिग्री का? 30 का। तो एक ब्लॉक, एक टुकड़ा, एक हिस्सा, एक ब्लॉक 30 डिग्री का है, दो ब्लॉक 60 डिग्री होंगे, एक ब्लॉक 30, दो ब्लॉक 60 डिग्री, तीन ब्लॉक 90 डिग्री होंगे, और आप चाहते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बने। तो जो दोनों सुई हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो फासला होना चाहिए, वो कितने ब्लॉक का? 3 ब्लॉक का, सही है। और हम एक घंटे की बात करें, 4 से 5 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, तो सोचो कि जो घंटे वाली सुई है वो तो 4 पर है, आवर हैंड कहां पर है? 4 पर है ना। अब जो मिनट हैंड है वो 3 ब्लॉक के डिफरेंस से अगर हो गया, 3 ब्लॉक, तो देखो 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक। तो अगर ये मिनट वाली सुई कहां आ गई? 1 पर, तो लगभग 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी लगभग 4:05। जबकि आंसर सही 4:05 नहीं होगा, क्योंकि जब ये 12 से 1 पर पहुंचेगी तो ये भी 4 से हल्की सी आगे बढ़ेगी, तो एंगल 90 का नहीं होगा, 90 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, 90 का नहीं होगा, 90 से थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, 4:05 पर नहीं होगा तो 5:30 पे होगा, 4:06 पे होगा, होगा तो सही। तो एक अंदाजा अगर हम लेते हैं तो अंदाजा मिल जाता है हमें 4:05, 4:05 पे नहीं होगा तो 4:30 पे होगा, 6 पे होगा, लेकिन होगा, ठीक है। सही 4:05 पे नहीं होगा, 4:05 से थोड़ा आगे, सही है। एक बार 90 बन गया। अच्छा, ये मिनट वाली सुई ना तेज चलती है, मिनट वाली सुई कैसे चलती है? तेज चलती है किससे? घंटे वाली सुई से। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कैसे चलती है? तेज चलती है। तो क्या ये घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई को पार करके आगे निकल जाएगी? निकलेगी, निकलेगी। तो हम चूंकि चाहते हैं 3 ब्लॉक का डिफरेंस हो, तो एक बार 3 ब्लॉक का डिफरेंस होगा ऐसे आने में और एक बार जाने में, ठीक है। अब ये सुई इसे पार करके आगे तो निकल ही जाएगी, फिर से 3 ब्लॉक लेंगे, 1 ब्लॉक, 2 और 3। क्या 3 ब्लॉक का फर्क हो गया? तो एक बार सुई यहां पहुंचेगी 7 पर, फिर से 90 डिग्री, दो बार बन गया एक घंटे में, एक ही घंटे में 4 से 5 के ही बीच में दो बार बन गया 90 डिग्री। लेकिन ये एंगल सही सही 4:35 पर नहीं होगा। वजह, जब ये 7 पर पहुंचेगी तो ये तो 4 पर नहीं होगी, 4 से आगे होगी, तो 4:35 में नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, ये अगर थोड़ा आगे है तो थोड़ा आगे ये हो लेगी, 35 में नहीं होगा, 36 पे होगा, 37 पे होगा, 38 पे होगा, होगा तो सही। यानी कि दूसरा टाइम जो है वो 4:35 नहीं होगा, 4:35 से थोड़ा आगे, थोड़ा ज्यादा, लेकिन होगा, दो एंगल होंगे ना। तो इसी आधार पर और अगर कोई दिक्कत लगे तो मैं आपकी और मदद कर देता हूं। अब समझ में आ रहा होगा, एक बार एंगल आने में 90 डिग्री, एक बार इसे पार करके निकलेगा तो जाने में 90 डिग्री। अब समझ में आ रहा है, एक बार आने में 90 डिग्री, एक बार उसे क्रॉस करके आगे निकल जाएगा सुई मिनट वाला, तो एक बार जाने में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का एंगल दो बार बनेगा, सही है। एक घंटे में कितने बनते हैं? दो एंगल बनते हैं 90 डिग्री के। तो एक बार लगभग 4:05 पर, लगभग एक बार लगभग 4:35 पर, जबकि 35 नहीं होगा, 35 से थोड़ा ज्यादा ही होगा, लेकिन आंसर आ गया, ठीक है। अब हमें बात करें कि ये कैसे पता चलेगा, तो 90 डिग्री 3 ब्लॉक पे होता है, जैसे 3 ब्लॉक का फासला होगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है। तो हमने ये डिसाइड किया अभी तक कि समकोण 90 डिग्री या 15 मिनट का अंतर, तो एक ही बात है, 15 मिनट का अंतर, तो एक घंटे में कितनी बार होता है? दो बार। तो 90 डिग्री घड़ी की दोनों सुइयां कौन सी सुइयां? घंटे वाली और मिनट वाली, उनके बीच में एंगल, तो जैसे 3 बजे पे 90 डिग्री होगा,
90 डिग्री एंगल होगा, 9 बजे पर भी 90 डिग्री एंगल होगा, और ऐसे एंगल और भी होंगे, और वो डिसाइड हो गया है हर एक घंटे में दो बार 90 डिग्री का एंगल बनने वाला है। इतनी एक ब्लॉक कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का, क्योंकि पूरा सर्कल 360 का है, 12 ब्लॉक है, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना 30 डिग्री, तो एक ब्लॉक 30 का है, तो ये 30 फिर 30 फिर 30, 90 डिग्री एंगल, तो एक बार 90 डिग्री होगा लगभग 4:05 और एक बार 90 डिग्री होगा लगभग 4:35, जबकि ये राइट नहीं है, अंदाजा है, आंसर इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा क्योंकि घंटे वाले से थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, उसे क्रॉस करने के लिए, उसे ओवरटेक करने के लिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, 35 की जगह 36 37 38 कुछ ना कुछ हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? तो पहला काम कि एक घंटे में कितनी बार, दो बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, हर एक घंटे में दो बार एंगल बनता है, इतना तो क्लियर हुआ। लेकिन लेकिन बात इतनी सी है कि थोड़ा आगे करते करते कुछ काउंटिंग कम आ जाएगी, चार पांच से थोड़ा ज्यादा ही होगा, है ना? एक बार आंसर 4:35 नहीं होगा, क्योंकि जब ये 7 पर पहुंचेगा ना मिनट एंड, तो ये आवर एंड ना 4 से काफी आगे निकल चुका होगा, तो जितना ये 4 से आगे हुआ होगा उतना इसे 7 से आगे होना होगा, तो आंसर 4:35 नहीं होगा, 37 38 कुछ ऐसे ही होगा, थोड़ा ज्यादा। अब ये थोड़ा ज्यादा करने करने के चक्कर में एक दो काउंटिंग कम हो जाएंगी, तो वो कहां कम होंगी? एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना होना चाहिए वैसे, 12 दुनी 24, एक घंटे में दो बार, तो 12 घंटे में ऐसे कितना होना चाहिए 24, लेकिन दो काउंटिंग कम होगी 22 बार, एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में 22 बार, दो कम होगी, कहां कम होगी बता दूंगा, कहां कम होंगी मैं बता दूंगा, ठीक है? 12 घंटे में 22 बार, और फिर 24 घंटे यानी एक दिन, 24 घंटे यानी एक दिन में, फिर डबल कर दो 44 टाइम। पहले तो इसे लिखें, समकोण 90 डिग्री एक घंटे में दो बार, 12 में 22 बार, और 24 घंटे यानी एक दिन में 44 बार। अब वो कमी कहां होगी, कैसे होगी, मैं बता दूंगा अभी आपको। हो गया नोट? एक घंटे में दो बार, 12 घंटे में 22, एक दिन में 44, इतनी बार सुइया राइट एंगल बनाने वाली है, ठीक है? अब इसमें मैंने कहा चूंकि कम हो रहा है, एक घंटे में दो है तो 12 में 24 होना चाहिए, 22 हो रहा है, दो बार कमी आ रही है। अब ये दो बार कमी आ किस जगह रही है पता होना चाहिए, तो वो मैं बता देता हूं। एक बार दो, दो से चार के बीच कितने घंटे हैं? दो। दो से चार के बीच कितने घंटे हैं? दो घंटे। दो घंटे में होना चाहिए चार बार, बनेगा तीन बार, एक बार कम हो लेगा इस ड्यूरेशन में। दो घंटे है ना, दो घंटे में होना चाहिए चार बार, भाई एक घंटे में दो बार, दो में चार बार, लेकिन इस ड्यूरेशन में आंसर तीन ही आएंगे, क्योंकि 3 बजे दोनों में कॉमन होगा, दो से तीन में भी और तीन से चार में भी, इसलिए एक काउंटिंग कम होगी। अभी 3 बजे का जो टाइम है ना,
ये 2 से 3 में भी एक बार 3 बजे कवर होगा और 3 से 4 के बीच में भी एक बार 3 बजे का टाइम कवर होगा, तो एक काउंटिंग यहां कम पड़ गई और एक टाइम काउंटिंग आपकी कम पड़ेगी कितने बजे, 8 से 10 के बीच, कितने घंटे हो गए, 2 घंटे। तो वैसे 1 घंटे में जब 2 बार है तो 2 घंटे में 4 होना चाहिए, लेकिन इस बार कितने आंसर आएंगे, 3 ही आएंगे। 3 क्यों आएंगे, क्योंकि 9 बजे का जो टाइम है ना वो 8 से 9 में भी 9 ही आएगा और 9 से 10 में भी 9 ही आएगा, एक काउंटिंग यहां कम पड़ेगी। तो एक बार कम पड़ेगा 2 से 4 के बीच में एक राइट एंगल, और एक राइट एंगल कम आएगा 8 से 10 के बीच में। तो इस तरह से 2 की कमी आ गई और वही 2 कम होके यहां 22 हो रहा है, वरना 24 होता। बस तो फिर सवाल शुरू, समझ में ना आया टेंशन मत लो, आप बस इतना याद रखो, आप बस इतना याद रखो कि 90 डिग्री, एक तो कम होगा 2 से 4 के बीच में, पहला पॉइंट। ना समझ में आए टेंशन मत लो, आप सिर्फ एक बात याद रखो, 2 से 4 के बीच में एक बार 90 डिग्री कम पड़ता है, पॉइंट नंबर 1। 8 से 10 के बीच में एक बार कम पड़ता है, बस बाकी सब भूल जाओ। समझ में आए, अच्छी बात है ना, ये तो और भी अच्छी बात है, हाँ दिमाग बचेगा कहीं और लगाएंगे। बस इतना याद रखना, एक बार 2 से 4 के बीच में एक कम पड़ेगा, एक बार 8 से 10 के बीच में एक कम पड़ेगा, बस 2 कम पड़ते हैं, ठीक है। तो बस अब आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाइए। सवाल अब मैं पूछूंगा, शायद ना भी लिख पाए आप, तो बस आंसर करते चलिएगा, फाइल सेव हो जाएगी आपके पास, मोबाइल पर पहुंच जाएगी। शाम को घर पे क्या बनाई, चाय बनाई और उसके संग साथ में नोट्स बना लिए, सही है। बस तो फिर सवाल शुरू, फिर से एक बार, 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22, 1 दिन में 44, और कमी कहां पड़ती है, एक बार 2 से 4 के बीच में, अगर 2 से 4 क्रॉस करोगे तो एक काउंटिंग कम हो जाएगी, और 8 से 10 को क्रॉस करोगे तो एक बार काउंटिंग यहां कम होगी, सही है। बस अब हम सवाल शुरू कर रहे हैं, तैयार। एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री समकोण पर होती है, तो हाउ मेनी टाइम मिनट एंड आवर एंड आर इन द 90 डिग्री एंड इन ए डे, एक दिन में 44 आंसर, तो ए आंसर हो गया। एक दिन में 90 डिग्री कितनी बार, 44 बार, सही है, कितना आसान। 10 बजे से रात 10 बजे, सुबह 10 से रात के 10, सुबह 10 से रात के 10, ठीक है, 9 PM to PM to PM, सुबह से यहां AM कर लो, AM to PM, सुबह 10 से रात के 10 कितने घंटे, ये तो पूरा 12 घंटे ही हो गया ना, सुबह 10 से रात के 10 पूरा एक चक्कर ही लगा दिया, और एक चक्कर में तो 12 घंटे ही हो गए, और 12 घंटे का मतलब आप जानते ही हैं, 22 आंसर बी, क्लियर है। सुबह 10 से रात के 10 पूरा एक चक्कर लग गया, 12 घंटे का हो गया, और 12 घंटे में 22 टाइम, यहां पे क्लियर है, कहीं दिक्कत। अगला, 4 बजे से 8 बजे, ठीक है, राइट एंगल विद ईच अदर ड्यूरिंग द टाइम 8 to 4 to 8, 4 से 8। अब 4 से 8 में हमें क्या करना है, देखो ये है 3, ये है 4, ये है 9 और ये है 8, हम बात कर रहे हैं 4 से 8 की। अब ये बताओ कि 4 से 8 के बीच में कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे, कितने घंटे होते हैं, 4। अच्छा 90 डिग्री 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार, 1 में 2 बार, तो 4 में 8 बार होना चाहिए भाई, 4 घंटे हो गए ना, 4 से 8 तो 4 घंटे हुए, और 1 घंटे में 2 बार, तो 4 घंटे में 8, तो आंसर यूं तो आपका 8 बार होना चाहिए, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कहीं हमने वो जिसमें एक काउंटिंग कम हो रही थी वो वाला टाइम क्रॉस तो नहीं कर दिया, डिक्रीज में जहां एक की कमी आ रही थी वो टाइम तो क्रॉस नहीं किया, तो वो टाइम कौन सा था, याद है, एक तो वो टाइम था 2 से 4 का, क्या ऐसे क्रॉस किया, क्रॉस ही नहीं किया, तो यहां कमी का कोई मतलब नहीं बनता। एक टाइम था 8 से 10 वाला, ये टाइम क्रॉस करोगे तो -1 होना था, लेकिन हमने इसे भी क्रॉस नहीं किया,
तो हमने कमी वाला जो टाइम था वो क्रॉस ही नहीं किया, तो हमारा आंसर डायरेक्ट आएगा, कोई कमी नहीं आएगी, इसलिए 4 घंटे में 8 बार और आंसर होगा बी, क्योंकि जिन टाइम पर एक काउंटिंग कम होती है हम उस टाइम को क्रॉस ही नहीं कर रहे, तो हमारा आंसर परफेक्ट आएगा, पूरा आएगा, कंप्लीट आएगा, इसलिए 4 घंटे में 8 बार ही आएगा, यानी आंसर बी आएगा। कोई परेशानी किसी को, ना समझ में आने वाली कोई बात, ना समझ में आए तुरंत बोल दीजिएगा, कहीं कोई इशू, सब सही, आसानी इतना है, घड़ी में क्या पढ़ना, बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, क्या पढ़ना घड़ी में, बस फिर भी पढ़ना पड़ रहा है, सर आप पढ़ा रहे हो मजबूरी है, वरना इन सवालों को तो ऐसे ऐसे उड़ा दें हम, हाँ हाँ सोच तो यही रही होगी ना, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओह ये सवाल है, एक सप्ताह में घड़ी की सुइयां दो कितनी बार समकोण बनाती हैं, इन ए वीक राइट एंगल, एक सप्ताह में 90 डिग्री, मन में सोच लो, एक सप्ताह इन ए वीक हो गया, इतना आसान है, इसमें क्या है, ये आया अभी 2018 रेलवे में, चेक करें, ए बी सी डी सब जानते हैं, एक दिन में कितनी बार, और 7 दिन में, अरे 1 दिन में 44 और 1 सप्ताह इन ए वीक, देयर आर 7 डेज, 44 × 7, अरे 1 दिन में 44 बार, तो 1 सप्ताह 7 दिन में 308 बार, सही है, तो आंसर होगा 308 टाइम, 1 दिन में 44 और 7 दिन में 308, आसान है, ठीक है, आगे मन में सोचेंगे एबीसीडी, अभी हम चेक करेंगे, अपने मन में एबीसीडी सोच लो, हम चेक कर लेंगे क्या आंसर होगा, धीरज डी, बिल्कुल सही जवाब धीरज भैया, पिछले वाले का, इसका और बताओ तब बात बनेगी, मन में सोचो, विष्णु गुड मॉर्निंग भैया, हो गया, चेक करें, ए बी डी, अरे पास पढ़ रहा था ना मुझे, ए बी डी सी जाऊंगा दूर पड़ेगा, पास तो पढ़ रहा था इसलिए, डी सी, तो सबसे पहला काम टाइम दिया है 5 से 11, तो 3, 6, 9, 12, 5, 7, 8, 10, 11, और हम बात कर रहे हैं 5 से 11, 5 ये और 11 ये, तो सबसे पहले हमने देखा कि आखिर घंटे कितने हुए, तो घंटे होते हैं 6 घंटे, 6 घंटे, अच्छा 6 घंटे हम जानते हैं कि 90 डिग्री जो एंगल है ना, समकोण वाला जो एंगल है, परपेंडिकुलर, एक ही बात है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो इस टर्म को बढ़ा लेना वहां पे, लंबवत, परपेंडिकुलर यानी लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर लंबवत 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो एक टर्म ये और बढ़ा लो परपेंडिकुलर, तो कई बार ये टर्म भी आ जाता है इसमें, ठीक है, तो राइट एंगल होगा और एक परपेंडिकुलर होगा, यानी लंबवत, तो लंबवत 90 डिग्री, ठीक है, ये भी 90 डिग्री को ही इंटीग्रेट करता है, तो इस टर्म को हम और बढ़ा लेंगे, ये भी आ जाता है, आ ही गया, ठीक है, तो
तो परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री हम जानते हैं, एक घंटे में कितनी बार, दो बार, तो 6 घंटे में होने वाला है 12। तो ऐसे करके आंसर जो हमारा होना चाहिए था वो होना चाहिए था 12 टाइम, सही है। अब ये देखना पड़ेगा कहीं माइनस वाला टाइम क्रॉस तो नहीं कर गए, और आप कर गए, क्योंकि वो टाइम होता है 8 से 10, 8 से 10 के बीच का जो टाइम होता है ये माइनस वन वाला टाइम होता है, इस ड्यूरेशन में एक 90 डिग्री कम काउंट होता है, और आप इसको क्रॉस करके जा रहे हो तो आंसर भी एक कम होने वाला है, जो आपने इसे क्रॉस किया तो आंसर भी एक कम होने वाला है, तो हमारा आंसर 12 नहीं होगा, एक कम होगा और आंसर होगा 11 टाइम। सी राइट आंसर, ठीक है धीरज, बिल्कुल सही, काफी लोगों का सही गया। तो हमें ये देखना होगा कहीं वैसा टाइम तो क्रॉस नहीं किया हमने जिसमें कमी आ रही हो, तो वो याद से देखना पड़ेगा। कोई दिक्कत आगे? इसे देखें, 6 से 10, 6 से 10, 6 से 10 कितने घंटे, 4, 6 से 10 4, और 1 घंटे में दो बार, 4 घंटे में, तो आंसर, क्योंकि आपने कमी वाले टाइम को क्रॉस किया है, आपने इसमें 8 से 10 क्रॉस कर लिया ना, 8 से 10 क्रॉस नहीं किया, किया, और 8 से 10 क्रॉस करोगे तो माइनस वन तो हो गई, 8 से 10 क्रॉस करोगे तो माइनस वन ही होगा ना, तो वैसे तो 6 से 10 कितने हो गए, 4 घंटे और 8 बार, लेकिन आपने क्रॉस किया है इसमें 8 to 10, और वो माइनस वन वाला टाइम है, इसलिए आंसर होगा माइनस वन 7 टाइम। कोई इशू, सब क्लियर, कहीं कोई दिक्कत लोगे बता दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, मन में सोचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 से 10, 2 से 10 बजे, ठीक है, फ्रॉम 2 PM to 10 PM, हाउ मेनी टाइम बोथ हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, एक दूसरे पर लंबवत होंगे, समकोण बनाएंगे, मन में सोचेंगे, चेक करेंगे। सोच लिया, एक आंसर कम लग रहा है मुझे इसमें, पता नहीं क्यों, एक कम लग रहा है मुझे, एक तो ये कम है, होता है कई बार कुछ कम होते हैं तो हम बढ़ा लेते हैं, एक मुझे इसमें और कम लग रहा है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सुंदरता सी आई, क्वेश्चन की खूबसूरती उसके ऑप्शन से होती है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, अब हम चेक करेंगे क्या होगा आंसर, अगर मुझे मिले ना ऑप्शन बनाने को, मैं इतने सुंदर सुंदर ऑप्शन बनाऊं कि बस मजा ही आ जाए सवाल करके, सवाल एक तरफ ऑप्शन एक तरफ, पता ही ना चले कौन सा टिक करें। चलिए चेक करें, वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी सवाल में ऑप्शन तो अच्छे होने ही चाहिए, रेडी, तो चेक करते हैं, ए वाले लोग कितने लोग सहमत हैं, ए कुछ गलत थे मैंने अब सही कर दिया ऑप्शन, कुछ गलत थे अब सही हो गए, ए वाले लोग, बी मतलब सी, सी पास पढ़ रहा था ना इसलिए, सी ई पास ही पढ़ रहा था मैंने, लेता चलू ई, आपको डाउट हो रहा है सर अपने हाथ से बनाए हैं इसलिए शायद सही ना हो, ऐसा होता नहीं है वैसे कई बार, बी मतलब डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जवाब, क्योंकि आपने दोनों जो कमी वाले टाइम थे दोनों क्रॉस कर लिए,
और जब दोनों क्रॉस कर लिए तो दो की काउंटिंग कम पड़ेगी, इस पर दोनों ही क्रॉस किए हैं, ठीक है। कैसे देखो, इस पर दोनों ही क्रॉस हो गए हैं क्योंकि यह है 2 से 10, तो 12, 9, 3, 2, 4, 8, 10 और ठीक है। अब हमने क्या करना था कि हमें 2 से 10 जाना था, 2 ये है और 10 ये है, तो हमने देखा भी कितने घंटे हुए सबसे पहले, तो हमने देखा जो घंटे की बात करेंगे हम लोग तो ये हो गए 8 घंटे, ठीक है। और हम जानते हैं कि भाई 1 घंटे में 2 बार है तो 8 घंटे में 16 बार होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कमी वाला टाइम तो क्रॉस नहीं किया हमने, किया क्योंकि वो जो टाइम है एक तो होता है 2 से 4, एक होता है 8 से 10, अब दोनों ही क्रॉस कर जा रहे हो, तो एक बार ये भी क्रॉस किया तो इसकी वजह से -1 होने वाला होगा, एक बार ये भी क्रॉस कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी -1 होने वाला होगा, तो फाइनली -2 होगा, ठीक है। तो इसमें 2 कम करने वाले हैं, आंसर होगा 14 टाइम, बिल्कुल सही जवाब डी। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, सब ओके? तो मुझे लगता है कि ये बताना तो हम सीख चुके हैं कि कितने बजे मतलब कितने टाइम में कितनी बार 90 डिग्री होने वाला है, ओके यहां तक। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम है आपसे अभी, मतलब मुझे डर है, मुझे अंदर से डर है, मन में खाया जा रहा है अंदर से मुझे, कहीं ऐसा ना हो कभी आप ये भूल जाएं कि जो कमी आ रही है, मतलब बहुत दिन बाद जब पढ़ेंगे आप तो वो जो कमी -1 हो रहा है वो किस टाइम पे होता है, अपोजिट में किस टाइम पे होता है, ओवरलैपिंग में किस टाइम पे होता है, 90 डिग्री में किस टाइम पे होता है, आप भूल जाएंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे। मैं ये तो याद रहेगा कि कहीं पे माइनस होना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किस ड्यूरेशन में -1 होना था, शायद ऐसा हो जाए, कोई बात नहीं, इसकी भी मेरे पास निंजा टेक्निक है। कैसे, सुनो, आप एक बात बताओ, एक चार टाइम होते हैं बिल्कुल परफेक्ट, उनकी बात करते हैं, चार एक परफेक्ट टाइम होंगे हमारे, तो आप कभी भूल ही नहीं पाएंगे चाह के भी। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना, आप चाहते हैं भूल जाएं, लेकिन याद ही आती है बार बार, नहीं होता ऐसा? सर होता तो है, कोशिश करते हैं भूल जाएं, और जितनी भूलने की कोशिश करेंगे उतनी याद आ रही है, ऐसी अब ये आप भूल ही नहीं पाओगे, जितनी भूलने की कोशिश करोगे उतनी याद आएगी आपको बात, ठीक है। तो देखो मेन जो इसमें चार, देखो घड़ी में कई बार आपने देखा होगा कि नंबरिंग नहीं आती, केवल डॉट आ जाती हैं, और कई बार डॉट भी कम आती हैं, लेकिन हमेशा 4 डॉट तो मेन होती है ना, 12, 3, 6, 9, ये तो गायब नहीं होंगी, 4 तो मेन डॉट होने वाली है, तो आप क्या करना, 4 मेन डॉट रखना बस, ठीक है। अच्छा, इन 4 मेन डॉट के संग 4 फिक्स टाइम होते हैं, कौन से होंगे? एक होता है 12 बजे, ठीक, एक होगा 6 बजे, दो टाइम हो गए, एक 4 मेन टाइम ले रहे हैं, 12 और 6 और 3 और 9, 4 ही तो टाइम है, एक 3 बजे और एक 9, तो क्या ये 4 टाइम भूल सकते हैं आप? ये तो मेन टाइम है, और यही मेन टाइम जो होते हैं 4, यही कमी वाले टाइम है, ये 4 मेन टाइम ही -1 वाले टाइम होते हैं, तो आपको याद रखने की बात ही नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है, जो 4 मेन टाइम होंगे 12, 3, 6, 9, ये 4 मेन टाइम ही -1 वाले टाइम होते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अपने आप से सुइयां 90 डिग्री या ओवरलैप 0 डिग्री या 180 डिग्री बना लेती हैं, तो इसीलिए ये कमी आती है, यानी इस समय पोजीशन कैसी है, ओवरलैपिंग, एक के ऊपर एक है ना सुइयां, तो ये पोजीशन कैसी है, ओवरलैपिंग, संपाती, एक के ऊपर एक, इसे क्या कहते हैं, संपाती, सुइयां एक के ऊपर एक होती हैं, ठीक है। तो 12 बजे अपने आप संपाती होती है ना, तो बस इसी टाइम पे 11 से 1 के बीच में -1 होता है, जिस टाइम पे ऑटोमेटिक कंडीशन बन जाएगी ना, उसी टाइम पे काउंटिंग कम पड़ेगी, तो 12 बजे ऑटोमेटिक क्या होती है, ओवरलैपिंग पोजीशन पे होती है, तो 12 के आसपास यानी 11 से 1 में 1 की कमी पड़ेगी। 6 बजे कैसी होती है,
अपोजिट होती है ऑटोमेटिक, अपने आप से अपोजिट है ना, तो ये अपने आप से अपोजिट है यानी विपरीत है। इसलिए छह कितने बजे, 6 बजे, तो बस इसी 6 बजे 5 से 7 के बीच में एक की कमी पड़ेगी। जिस टाइम पर जैसी पोजीशन है, जिस टाइम पर जैसी पोजीशन है वही चीज कम पड़ेगी, यानी 6 बजे अपने आप से अपोजिट होती है ना, 6 बजे अपने आप से अपोजिट होती है तो 6 बजे ही एक कम होगा। 12 बजे अपने आप से ओवरलैपिंग होती है तो 12 बजे मतलब 11 से 1 पर ही एक कमी पड़ेगा। 3 बजे अपने आप कैसी होती है, राइट एंगल 90 डिग्री, तो 3 बजे एक कम पड़ेगा। 9 बजे भी अपने आप से 90 डिग्री, तो 9 बजे भी एक कम पड़ेगा। तो भूलने वाली तो बात ही नहीं है ना, ये भूल जाओगे कैसे, भूलने वाली बात ही नहीं है। ये कैसी पोजिशन है, राइट एंगल समकोण, और 3 बजे पे अपने आप से ही समकोण होती है सुइयां, राइट एंगल होती है। तो इसका मतलब 3 बजे ही यानी 2 से 4, 2 से 4 की ड्यूरेशन में एक की कमी आएगी, क्योंकि वो अपने आप से 90 डिग्री है। तो 3 बजे 90 डिग्री अपने आप ही होगी, तो एक कमी पड़ेगी 3 बजे भी पड़ेगी, और एक 9 बजे अपने आप से ही 90 डिग्री हो रहा है, तो एक बार 9 बजे कमी आने वाली है। ठीक है, सेकंड लास्ट बेंच, पीछे दूसरी बेंच। हाँ जी, तुम बताओ, ये बताओ कि वो जो ओवरलैपिंग होती है कभी कम पड़ती है, ओवरलैपिंग होती है कब कम पड़ती है बताओ, ओवरलैपिंग जो होती है पड़ोस वाले मुंह से हाथ उठाएंगे, जब मैं किसी से पूछूंगा पड़ोसी का किसी का मुंह पे हाथ नहीं होना चाहिए, शर्त है मेरी। ठीक है, हाँ ए इधर देख लो, इतनी देर बता रहे हो, बातें में लगे हुए हो, ये कितनी बड़ी बात बता रहा हूं तो बताओ नहीं है। जिस दिन आएगा ना क्वेश्चन और भूलोगे, ये चार्ट याद आएगा, सवाल खत्म हो जाएगा चुटकी में, मतलब पड़ोस में, यहां पे तो पड़ोस में है मुंह पे हाथ रख के बोलने वाले, पेपर में कैसे भी बोलने वाले नहीं होते, पूछोगे ना पकड़ के कन्ना डालेगा, हट पीछे, टाइम खराब मत कर मेरा। और यही लोग, इन्हीं में से कोई बैठा हुआ ना पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। हाँ हाँ सही बता रहा हूं मैं, हो जाता है ऐसे, अभी तो बताने वाले बहुत हैं, जब बाकी जरूरत पड़ती ना बताने वालों की, पेपर में कोई नहीं बताता, अपना करेंगे तो मैं बताएंगे, मतलब ही नहीं है। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से चलो। तो एक बार 3 बजे 90 डिग्री होती है ना, 3 बजे कमी पड़ेगी, और एक बार 9 यानी 8 से 10 के बीच में भी एक की कमी पड़ेगी। तो ये कोई भूलने वाली बात ही नहीं है, याद रखने वाली बात भी नहीं है। 12 बजे कैसी होती है, ओवरलैपिंग, 12 बजे ही एक कमी पड़ेगी, 6 बजे अपोजिट, अपोजिट 6 बजे कम पड़ेगा, 3 बजे क्या होगा 90 डिग्री, 3 बजे एक 90 डिग्री, और 9 बजे भी एक 90 डिग्री होगा, एक 9 बजे 90 डिग्री। तो ये याद और भूलने वाली तो मतलब ही नहीं है, भूल ही नहीं पाओगे आप इस बात को, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओवरलैपिंग 12 बजे होती है, 12 बजे ही कम पड़ेगा, अपोजिट 6 बजे होगा, 6 बजे कम पड़ेगा, 90 डिग्री 3 बजे होगा, 3 बजे 90 कम पड़ेगा, और 9 बजे भी 90 डिग्री होगा, तो 9 बजे 90 कम पड़ेगा। तो इसमें क्या दिक्कत है, भूलना याद रखना सिंपल है, ये तो अब नहीं भूल पाओगे। और फिर भी कोई भूल गया, वाकई में उसके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, वाह कुदरत की बड़ी असीम कृपा है आप पे, इसके बावजूद भी आप भूल जा रहे हैं, बहुत प्रबल इच्छा शक्ति है आपके अंदर, कहां भूल पाते हैं लोग, छोटी छोटी बातों को दिल पे ले जाते हैं। तूने मुझसे उस दिन ऐसे कही थी, ध्यान रखियो, उस दिन तो कचौड़ी खा रहा था और तूने मुंह फेर लिया था, इतनी इतनी बातों पर लोग दिल पे ले जाते हैं, है ना। और आप इतनी बड़ी बात भूल जाओ तो वाकई में ऊपर वाले की बड़ी कृपा है, आप खुश तो रहोगे जीवन में, दुखी तो नहीं रहोगे, आप खुश तो रहोगे, जॉब लगना लगना तो दूसरी बात है, लेकिन दुख नहीं होगा आपको कभी भी, क्योंकि आप जब भूल ही जा रहे हो तो फिर किस बात का दुख है, आराम से बढ़ते चले जीवन में आगे। दुख तो वो लेके चलते हैं ना जो मन में लेके चलते हैं बातों को, तो मन में बातें रखते चलते हैं, मन भारी होने लगता है, वहीं से आपके अंदर दुख की इच्छा पैदा होने लगती है। अब जब आप भूल ही जा रहे हो तो फिर क्या दुख क्या सुख मोह माया, आप इन बंधनों से दूर हैं, कोई मतलब नहीं है दुखी होने का। ठीक है, तो इसके बावजूद आप मुझे नहीं लगता कि भूलने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो बहुत ऊपर वाले ने आपको अपनी असीम कृपा से नवाजा है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े, सचिन सर एक बार समझा दो प्लीज, सर फिर से समझा दो। अरे भैया मैं 2-3 बार समझा दिया, फिर समझा देता हूँ, देखो बारह बजे
ओवरलैप होती है ना, तो 12 बजे के आसपास यानी 11 से 1 के बीच में एक की कमी पड़ेगी, ठीक है। 6 बजे अपोजिट होती है, तो 6 बजे के पास यानी 5 से 7 के बीच में एक की कमी आने वाली है। 3 बजे 90 डिग्री होता है, तो सही 3 बजे एक की कमी होने वाली है। और 9 बजे भी 90 डिग्री होता है, तो सही 9 बजे यानी 9 8 से 10 के बीच में भी एक की काउंटिंग कम पड़ेगी। तो ये वो वाले टाइम है जहां पर काउंटिंग कम पड़ती है, बस सिंपल सी बात है। क्या इतनी बात हो गई? अब आपको टाइम भी तो बतानी है कि 90 डिग्री कितने बजे बनेगा। टाइम नहीं बता के जाओगे, टाइम बताने पड़ेंगे। तो सुनो, टाइम बताने के लिए क्या आप एक बात जानते हैं कि 90 डिग्री कितने ब्लॉक के डिफरेंस से होता है? 3 ब्लॉक से। 90 डिग्री का एंगल कितने ब्लॉक के डिफरेंस से होगा? 3 ब्लॉक। भाई ये 4 पर है तो ये 1 पर है, 3 ब्लॉक का डिफरेंस। और ये 4 पर है तो 7 पर है, 3 ब्लॉक का डिफरेंस। इसका मतलब अगर 4 और 5 बजे के बीच की बात चल रही है और जो आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई है, वो 4 और 5 के बीच में 4 बजे पे ही होगी ना। अगर छोटी वाली सुई 4 पर, तो बड़ी वाली 1 बार माइनस 3, 3 पीछे, 4 से 3 कम कर लो, 1, 1 बार 3 पीछे, 1 बार 4 से 3 आगे, 1 बार माइनस 3, 3 पीछे, 1 बार 4 प्लस 3 7, 1 बार माइनस 3, 1 बार प्लस 3, दो ही बार तो आंसर आता है। 90 डिग्री के आंसर कितने होंगे? 2। कैसे होंगे? माइनस 3 प्लस 3 आंसर, समझ गए भाई। घंटे वाले सुई कितने पर है? 4 पर। 1 बार माइनस 3 करो तो 4 माइनस 3 1, 1 पर। 1 बार प्लस 3, 4 प्लस 3 7। क्या ये बात समझे? बस चेक कर लेते हैं, बस समझो आंसर आ गए। ये देखो, तो क्वेश्चन ये होगा, मैं समझाता हूं आपको। क्वेश्चन है वह कौन सा टाइम है जब 2 और 3 के बीच सुइया 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। विच इज दैट टाइम व्हेन क्लॉक हैंड मेक एंगल 90 डिग्री बिटवीन 2 एंड 3 ओ क्लॉक। टाइम कितना है? 2 और 3 ओ क्लॉक। तो सुनो ध्यान से बात को, 2 और 3 के बीच में क्या चाहिए? 90 डिग्री। यही तो क्वेश्चन है। 2 और 3 के बीच में क्या चाहिए? 90 डिग्री। तो बस मुझे एक बात बता दो कि जो आवर हैंड है वो कहां होगा? 2 पर। घंटे वाली सुई कहां होगी? जब 2 और 3 की बात है 2 पर होगी। कहां होगी? 2 पर। तो घंटे वाली सुई पहली बार भी 2 पर, अगली बार भी 2 पर, दो आंसर आएंगे ना। अब मिनट वाली सुई 90 डिग्री कितने ब्लॉक के डिफरेंस से होती है? 3 ब्लॉक। बताया था 90 डिग्री 3 ब्लॉक के डिफरेंस से होती है ना। तो अगर आवर हैंड 2 पर है तो मिनट हैंड माइनस 3 कर लो, 2 माइनस 3 11, 11, 11 का मतलब कितने मिनट? 55 मिनट। अरे 2 से 3 कम करो, 11 पे होना मतलब 55 मिनट होना। 1 बार 3 आगे, 2 और 3 5 पर मतलब 25 मिनट, दो आंसर आ गए। लेकिन ये लमसम आंसर है, हमें तो एक्यूरेट चाहिए ना, तो लमसम आंसर पहुंच जाना। इसके बाद तो फिर बचपन से आप जानते ही हो, इसी 55 को उठाओ डिवाइड बाई 11 आंसर, इसी 25 को उठाओ और डिवाइड बाई 11 आंसर, दो आंसर यही है, ठीक है। तो इससे कितनी बार? 5, 55 और 5, 2:60, 2:60। एक तो सही 3 बजे होगा 90 डिग्री, होता ही है, सही बात है। एक 11 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। उस 2 को तो 25 में जोड़ो, 25 और 2 27, तो 11 दुनी 22, 22 बचा कितना रिमेनिंग? 3, दो आंसर है। तो ये मिल रहा है मुझे, तो मैं टिक करूंगा। 3 बजे का नहीं मिला, मिलता तो उसे भी टिक करते। समझ में आया नहीं होगा चिंता मत करना, दो सवाल और करेंगे सब समझ में आएगा। फिर भी कोई बात नहीं, कभी कभी पहली खुराक से आराम नहीं मिलता, दोपहर की शाम की खुराक खाते हैं तब तो शाम तक लगता है कि हाँ कुछ राहत है। कोई बात नहीं, अभी दो सवाल और करेंगे, ठीक है। तो सेम वही प्रोसेस, अंदाजा लेना है, अंदाजा मिलेगा 90 डिग्री 3 ब्लॉक के डिफरेंस से होता है, माइनस 3 प्लस 3 दो आंसर, खत्म कहानी। 2 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, सभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि पांच और छह के बीच में, पांच और छह के बीच में समकोण 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। When will be the hour end and minute end form right angle with each other between 5 and 6 o'clock? पांच और छह के बीच में बनाना है 90 डिग्री, तो सुनो, पांच और छह के बीच में क्या बनाना चाहते हो, 90 डिग्री बनाना चाहते हो ना, तो बताओ आवर एंड कहां पर होगा, 5 पर। घंटे वाली सुई कहां होगी, अरे 5 पर होगी, पहली बार भी 5 पर होगी और दूसरी बार भी 5 पर ही होगी ना। अब बात करते हैं मिनट वाली सुई, आप जानते हैं 90 डिग्री तीन ब्लॉक के डिफरेंस से आता है, 90 डिग्री कितने ब्लॉक के डिफरेंस से, तीन ब्लॉक के डिफरेंस से। अगर आवर एंड 5 पर है तो मिनट एंड 1 पर माइनस 3, 5 से 3 कम करो, 2 का मतलब 10 मिनट। मिनट वाली सुई कहां होगी, 3 पीछे, 5 से 3 कम 2, 2 का मतलब 10 मिनट, तो एक बार 2 हो गया 5 10, एक बार 3 आगे 5 और 3 8 का मतलब 40 मिनट। बस आपने ये दो आंसर निकाल लिए लमसम आंसर अंदाजे से, इसके बाद तो फिर आप होशियार है ही है, इसके बाद तो फिर आप होशियार रही है। इसी 10 को लिखेंगे डिवाइड बाई 11, तो इसमें डिवाइड ही नहीं होगा, तो यही आंसर है। एक बार इसी 40 को लिखने वाले हैं डिवाइड बाई 11, इसे डिवाइड कर पाएंगे कितनी बार, 3 बार, 11 से 3 बार 33, वो 3 को 10 में जोड़ दो तो 543 और 33 कितना बचेगा, 7 अपॉन 11, दो आंसर आ गए। चेक करो क्या ये मैच हुआ, 10:10 सही, एक तो ये मैच और ये दोनों ही मैच हो गए, 5:10 सही, 10/11 और 43 सही 7/11, यही आंसर है, दोनों ही आ गए। एक बार माइनस 3 एक बार प्लस 3, 90 डिग्री में तीन ब्लॉक का डिफरेंस चाहिए, अरे ओवरलैपिंग में सेम पोजीशन चाहिए, 90 डिग्री 180 में 6 का अंतर चाहिए, 90 डिग्री में 3 का अंतर चाहिए, एक बार 3 आगे एक बार 3 पीछे, 90 डिग्री में तीन ब्लॉक का डिफरेंस चाहिए, एक बार प्लस 3 एक बार माइनस 3 और आंसर। मैं यही समझ में बात, एक दो और करते हैं आ जाएगी। ट्राई करें एक दो और, ये बोल रहा है आपसे 4 और 5 के बीच समकोण, ठीक है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock विल द टू हैंड ऑफ क्लॉक फॉर्म ए राइट एंगल टू ईच अदर फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, पहली बार, फर्स्ट टाइम, पहला चाहिए दूसरा नहीं चाहिए, पहला चाहिए दूसरा नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, हम दोनों निकाल देंगे। तो 4 और 5 के बीच की बात है, तो छोटी सुई कहां होगी, 4 पर, पहली बार भी 4 पर और दूसरी बार भी 4 पर। मिनट एंड 1/3 पीछे 1/3 आगे, मुझे लगा तुम एंगल बना के देख रहे हो ऐसे कि 4 पे ये है और ये ऐसे, अच्छा कंधे पे हाथ रख के बैठे थे, मुझे लगा एंगल बना के देख रहे हैं। तो 4 पर है घंटे वाली सुई, 1/3 पीछे 1/3 आगे, 1/-3 4-3 1 का मतलब 5 मिनट 4+3 7 मतलब 35 मिनट, इतना तो आप जानते ही हैं। अब आप इसके बाद भी जानते हैं 5/11, ये तो यही रहेगा, इसमें क्या करेंगे 35/11, अच्छा ये तो फिक्स यही रहेगा, इसमें फर्क नहीं है। बात करें इसकी अगर, तो इसको कितनी बार काट लेंगे आप, 3 बार, उसमें जुड़ेगा 4:38 सही है, वहां बचेगा 11/33 2/11, दो आंसर आए, एक तो ये और एक तो ये। लेकिन आंसर की बात करें, तो आंसर की बात करें अगर, तो पहला कौन सा है, पहले ये होगा या पहले ये होगा, पहला तो ये है ना, इसका मतलब हमें ये नहीं देना, वैसे ये भी सही है 90 डिग्री बनाएगा, हमें ये टिक करना है, लेकिन ऐसा ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सिंप्लीफाई कर लो ना, 4 11 का 5 में मल्टीप्लाई 11 × 5 55+5 60/11 मिनट, तो आंसर कौन होगा, ए, एलसीएम ले लो, ए हो गया ना, सही हो गया, ठीक है भाई। 5:05 11 55 और 5 11 × 5 55+5 60 अपॉन
11 आंसर। कोई परेशानी, सब ओके, बहुत बढ़िया। वैसे दोनों आंसर है, लेकिन हमने इसको क्यों लिया, क्योंकि हमसे पूछा ना पहली बार, क्या पूछा है, पहली बार, फर्स्ट टाइम। पहली बार कब बनेगा, तो पहली बार तो बनेगा ना 4:05 पे, और ये तो 4:38 ये तो दूसरी बार बना, दो बार बनता है ना, तो पहला आंसर यही है। समझ पाए, आगे क्या हो गया, मतलब आपको क्या लग रहा है कि इस टाइम पे 90 नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा है, और इस टाइम पे 90 नहीं बनेगा, ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा, आपको ये लग रहा है कि जो टाइम आ रहे हैं ये इस क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है, ऐसा? कोई बात नहीं, एक काम करिए, याद करिए टाइम, ये टाइम कितना, इस पे डाउट है या उस पे डाउट है, दोनों पे डाउट है, वेरी गुड, इसे पकड़िए, 4:60:11 सही है। तो क्वेश्चन ये है, 4:60:11 इस टाइम पर कितने डिग्री का एंगल होगा, एक फॉर्मूला होता है थीटा इक्वल 60 h, डिफरेंस 11 m/2, इससे एंगल आ जाता है ना, इसे उठा के इसमें डालो, एंगल 90 का आ गया, इसका मतलब सही आंसर है। दिक्कत की बात क्या है, आपको किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों सुई के बीच में कितने का एंगल है इसका एक फॉर्मूला होता है। ये अगर आपको डाउट लग रहा है कि इस टाइम पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, मान लो, तो दिक्कत की बात क्या है, आप इस वाले टाइम को इस फॉर्मूले में डाल दो, अगर 90 आ गया तो सही है, नहीं आया तो कुछ तो गड़बड़ है दया, सही है, और 90 आएगा, दोनों से आएगा। जब वो 35 से पहुंचेगी तो वो सुई 4 पर रहेगी या 4 से आगे बढ़ जाएगी, आगे होगी ना, वो थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी वो आगे, हो गया 90 डिग्री। अरे आप टेंशन मत लो, आप इस फॉर्मूले में डाल दो, 90 आ जाए, समझो कि ये टाइम सही है और 90 आएगा, चेक करो। देखो ये टाइम निकालने का, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है 60 h, एच मीन्स ये घंटे और एम फॉर मिनट, और एंगल निकालने का ये फॉर्मूला होता है ये, तो आप करेंगे 60 × 4, डिफरेंस 11 × मिनट कितने हैं, 60/11/2, बात नहीं, 11 से 11 कैंसिल, तो ये 6×6=24, 240 डिफरेंस 60 हो गया, डिवाइड में कितना 2 हो गया, तो इस डिफरेंस को 180/2, 90 डिग्री, सही तो है, बन तो रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कितने डिग्री का एंगल है ये जानने के लिए ये फॉर्मूला होता तो है, तो आपको कभी भी डाउट लगे, जो तरीके मैं बता रहा हूं उस तरीके से जो भी आंसर आ रहे हैं, आपको किसी भी आंसर पर डाउट लगे, अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर सही आ जाएगा, आप भरोसा करिए, भरोसे पर दुनिया कायम है, ठीक है। तो 90 डिग्री का आंसर, तो ये फॉर्मूला है, एंगल बिटवीन, ये किसका फॉर्मूला होता है, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड एट एच एम, इतने बज के इतने मिनट, एच ये है, एम ये है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर दोनों सुई के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो अगर कभी भी डाउट लगे फॉर्मूला लगा दो, हमने लगा लिया, 90 आ गया, बिल्कुल सही है, ओके। तो आज की बात यही खत्म होती है, इन सबको नोट करके रखिएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा बेहतर से, बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली क्लास में, ठीक है। 90 डिग्री का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया, फाइनली पैकअप हो गया।